नमस्कार दोस्तों, आज मैं सिखाने जा रहा हूँ एम एस एक्सेल में एच लुकअप का यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास ये शीट है। अब मान लो इसमें हमें देखना है हिंदी में 5th रो में क्या वैल्यू है। तो हम फॉर्मूले के द्वारा कैसे देखेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लगाते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले दोस्तों हाँ जी ठीक है दोस्तों। अब हम यूज़ करेंगे एच लुकअप का। एच लुकअप को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लुकअप, एच का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, एच एल डबल ओ यू के ब्रैकेट लगाएंगे दोस्तों। लुकअप वैल्यू ये कह रहा है, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू हमारी यहाँ पे है जो हमने हिंदी लिखा था हिंदी। अब हम ये कॉमा लगाने के लिए बोल रहे हैं, इसके आगे कॉमा है, कॉमा लगाएंगे। टेबल एरे, टेबल सारी टेबल हम सेलेक्ट कर लेंगे ठीक है दोस्तों। फिर कॉमा रो इंडेक्स नंबर, मान लो मुझे 1 2 3 4 5 6 जो हमने एरिया सेलेक्ट किया है वो यहाँ से 6th रो बनती है 1 2 3 4 5 6 68 पे बनती है 6th रो। तो हम यहाँ पे 6th रो नंबर 6th डाल देंगे कॉमा। अभी कह रहा है कि एग्जैक्ट मैच के लिए इसको चूज़ करें, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, डबल क्लिक करेंगे ठीक है। अपने फॉल्स लिख के आ जाए या फिर ज़ीरो भी लिख सकते हैं यहाँ पे, बात एक ही है। ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करें। तो ये देखिए दोस्तों 6th नंबर पे हमारा जो हमारी जो वैल्यू है वो 68 है ठीक है दोस्तों। ये तो इसका यूज़ हो गया। अब जैसे हम यहाँ पे मैथ्स मैथ्स का देखना है 6th नंबर पे क्या है, 64 वैल्यू है। और ड्राइंग का 6th नंबर पे क्या है, 71 वैल्यू है। अब दोस्तों हम यहाँ पे फॉर्मूला तो यहाँ पे लगाया है ठीक है दोस्तों, इसको डिलीट कर देते। अब हम यहाँ पे दोस्तों लिखते हैं सब्जेक्ट, इसको बोल्ड कर देते हैं। और यहाँ पे रो नंबर लिखते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं ठीक है दोस्तों। और इसको हम मर्ज कर देंगे, मर्ज इन सेंटर हो गई दोस्तों, मर्ज हो गई जो हमारी लाइन्स थी, सेल्स थे, एक सेल में कन्वर्ट हो गया दोस्तों ये। और इसको हम ये देखो ठीक है, अब सब्जेक्ट यहाँ पे हम दोस्तों एस लुकअप विथ लिस्ट के द्वारा हम इजीली एच लुकअप हो गया, वी लुकअप हो गया, इनका यूज़ हम इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं, ड्रॉप डाउन की लिस्ट, डाटा में जाएंगे एंड डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन, और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे दोस्तों लिस्ट, और लिस्ट का एरिया जो भी है हम सेलेक्ट कर लेंगे ठीक है। और हम इसको ओके कर देंगे दोस्तों। ये देखिए हमारी लिस्ट बन गई है जी, इसमें सारे स्टूडेंट्स के नेम आ गए हमारे,
हमें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, हम ड्रॉप डाउन पर सिलेक्ट करके क्लिक करके यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं जो स्टूडेंट हमें चाहिए। ऐसे ही हम रो नंबर क्या बना लेंगे उसको एक लिस्ट, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पे हम कर देंगे लिस्ट सोर्स पे क्लिक करेंगे। लिस्ट में हम यहाँ पे सीरियल नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं, 10 सीरियल नंबर है मेरे पास, 10 रो हैं जिनमें हमारा डाटा है और ओके कर देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हमारी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 रो हमारी यहाँ पे आ गई। अब दोस्तों यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एच लुकअप का, एच लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे हम। अब हम लुकअप वैल्यू जो है हमारी यहाँ पे है, ठीक है दोस्तों। इसको थोड़ा देर ले लेते हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू एच लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे आएंगे क्योंकि हमने लिस्ट ही यहाँ पे बनाई थी सब्जेक्ट्स की, लिस्ट कॉमा टेबल एरे, टेबल एरे सारी हम टेबल सेलेक्ट कर लेंगे शिफ्ट के साथ एंड कॉमा लगाएंगे और रो नंबर हम यहाँ से उठाएंगे एंड कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे हम डबल क्लिक करके एग्जैक्ट मैच कर सकते हैं दोस्तों, या फिर हम यहाँ पे ज़ीरो लिख सकते हैं तब भी एग्जैक्ट मैच होगा, ठीक है दोस्तों। ये अभी हमारा कोई आंसर नहीं आ रहा दोस्तों। अब यहाँ पे मान लो हम कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, इंग्लिश, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई थी दोस्तों, यहाँ पे मुझे सब्जेक्ट्स लेना चाहिए थे और मैंने इसको, चलो दोबारा कर लेते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं, क्लियर वैलिडेशन सर्कल, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, क्लियर ऑल कर देंगे। यहाँ से दोबारा लिस्ट बनाते हैं, एक सोर्स में जाएंगे, यहाँ से हम ये लिस्ट उठाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब ये लिस्ट हमारे पास आ गई दोस्तों, ठीक है, ये हमारे पास रो है। अब मान लो दोस्तों हम यहाँ पे इंग्लिश, इंग्लिश सब्जेक्ट में से मुझे ये वाली वैल्यू देखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 7th वैल्यू देखनी है मुझे, तो यहाँ पे मैं रो नंबर 7 सेलेक्ट करूँगा। तो देखिए दोस्तों ये अपने आप यहाँ पे रिजल्ट आ गया हमारा 79, ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारा रिजल्ट 79। अब दोस्तों यहाँ इंग्लिश में ही हम जैसे 10th 9th नंबर पे देखना चाहते हैं कितना है, कितनी वैल्यू है, 75 है, और 10th नंबर पे देखें अगर हम कितनी वैल्यू है, 80 है, और सेकेंड नंबर पे क्या है, 37, और यहाँ से हम सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं दोस्तों, साइंस, यहाँ से साइंस ले लेते हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे 8th नंबर पे क्या है, 8th नंबर पे 33 है, 8th नंबर ये इसलिए काउंट कर रहा है क्योंकि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 8, ठीक दोस्तों, क्योंकि हमने जो टेबल सेलेक्ट की थी वो सारी सेलेक्ट की थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8th रो है, इस वजह से दोस्तों यहाँ पे
इस वजह से यहाँ पे ये 33 दिखा रहा है। सिक्स्थ पे क्या है, 83 है। थर्ड पे क्या है, 60 है। तो दोस्तों ऐसे हम एच लुकअप का यूज़ कर सकते हैं। एच लुकअप का ये सिंपल यूज़ है। एच लुकअप के साथ हम मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू और इसके साथ कई फॉर्मूले और ऐड करके हम फॉर्मूला बना सकते हैं दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो देखिए, प्रैक्टिस करिए, सीखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल ई लर्निंग विद AK। मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।